पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दों की तरफ से सिविलियंस को अपना निशाना बनाना, पुलिस और एसएफ को अपना निशाना बनाना, ये ट्रेंड जो कुछ दिनों से देखने को मिला है। अब देखेंगे कहीं पंच सरपंच टारगेट हुए, कहीं को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टारगेट हुए। 14 तारीख को हमारे नौगाम क्रॉसिंग के नाके के ऊपर हमारे दो पुलिस के जवान शहीद हुए, और आज सुबह करीरी पट्टन में हमारी एक पेट्रोल कम नाका पार्टी के ऊपर अटैक हुआ, जिसके चलते सुबह ही सुबह हमारे एक जांबाज एसपीओ मुजफ्फर जो हैं वो शहीद हो गए, और उसके साथ जो सीआरपी के दो जवान वो भी जख्मी हुए थे जो बाद में शहीद हो गए। उसके साथ वहाँ का ऑपरेशन जारी हुआ जो सुबह से लेके अभी तक चल ही रहा है, जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। सुबह फायर फाइट हुई, बंद हुई, एक आतंकी मारा गया, दोबारा फायर फाइट सर्च के दौरान शुरू होगी, फिर एक आतंकी मारा गया, और अभी आधा घंटा पहले फायर फाइट दोबारा शुरू हो गई, जिसमें सुनने में आ रहा है कि एक आतंकी, लगभग इतला कन्फर्म हो रही है कि मारा गया है, उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी। सुबह के चल रहे ऑपरेशन में जो दो आतंकी मारे गए उनकी पहचान जो हुई है उसमें एक सजाद हैदर है, अलियास जज्जा, जो सोपोर डांगरपुरा का रहने वाला है, और ये भी 2016 की विंटेज का मिलिटेंट है, जो लगभग उसी तर्ज का है जिस तर्ज पे बुरहान वानी अपने एरिया में चला करता था, उसी तर्ज को पकड़ करके ये भी नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव था। अगर बुरहान वानी ने बहुत ज़्यादा लोगों को दहशतगर्द बनाया होगा साउथ कश्मीर में, इसने भी अपने एरिया में नॉर्थ कश्मीर में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक कम से कम इसके 20 के करीब जो लोग दहशतगर्द बनाए हुए उनको हम लोग पकड़ चुके हैं, और बहुत सारा लोग जो OGW का इसका नेटवर्क था जो 3-4 जिलों के अंदर ऑपरेट करता था उसको भी न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। इसका लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और कुछ अरसा पहले जो 8 जुलाई को वसीम बारी और उसकी फैमिली की किलिंग हुई थी बांडीपुर के अंदर, उसका मेन आर्किटेक्ट ब्रेन यही था जिसके जरिए से वो किलिंग प्लान हुई, और उस फैमिली के 3 जो लोग हैं, वसीम बारी और उसके ब्रदर और उसके फादर जो है उस अटैक में मारे गए थे। उसके अलावा 1 जुलाई को CRP के ऊपर हमला हुआ था सोपोर में, उसमें भी एक जवान जो है शहीद हुआ था और 4 जख्मी हुए थे। एक टावर गार्ड था ईद उल अमीन बहरामपुरा सोपोर का रहने वाला, उसको मारने में भी इसी का हाथ था। इसके अलावा गुलाम मोहिद्दीन शेख जो बम्बई का रहने वाले थे उसकी भी ऑर्चर्ड्स के अंदर इसी बंदे ने अपने ग्रुप के साथ किलिंग करी थी। संग्रामा सोपोर में ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें SF के 3 लोग जख्मी हुए थे और सिविलियन भी जख्मी हुए थे, उसमें भी सजाद हैदर ही शामिल था। मुश्ताक अहमद मीर हारवन सोपोर के रहने वाले थे, 24 सितंबर को उसको किडनैप किया गया और फिर मार दिया गया, उसमें भी सजाद हैदर और उसका ग्रुप शामिल था। आपको याद होगा जब अगस्त में 370 एब्रोगेशन के बाद फ्रूट मर्चेंट को निशाना बनाया गया, बाहर के लेबर को निशाना बनाया गया, उस वक़्त भी शफी आलम एक बाहर का रहने वाला मजदूर किसी के घर में मैसन का काम करता था, घर में जाके उसको गोली मारी थी, और उसके साथ जो फ्रूट मर्चेंट सोपोर के जिनके घर में अटैक किया था, हदायतुल्ला राठौर उनका नाम है डांगरपुरा के, ये भी 6 सितंबर को अटैक किया था 19 में, इसमें उनकी 4 साल की पोती जो थी वो भी जख्मी हुई थी और घर के 3 मेंबर और जख्मी हुए थे।
उसके बाद जो सिविलियन ट्रैफिक चलती थी उसको रोकने के लिए हाईवे पे गाड़ियों को रोक के आग लगाते थे। दो मारुति गाड़ियों को वारपुरा के एरिया में आग लगाई गई थी, उसी में उसमें भी सजाद हैदर शामिल था। और उसके अलावा लोगों को धमकी देना, दुकान ना खोलने देना, गाड़ी ना चलाने देना, जगह जगह पर जो बाकी एक्टिविस्ट हैं उनको धमकियाँ देना। और हाल ही में इसने रियाज नैकू की तर्ज के ऊपर जो ऑडियो वीडियो बना करके निकाली थी, जिसके अंदर पुलिस को, मीडिया के लोगों को और बाकी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं सबको धमकी दी थी, जिनको ये कहा था कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच पे चलने वाले लोग हैं या किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी फ्रटर्निटी से हों, उनको दहशतगर्द अपना निशाना बनाएंगे और इसका ग्रुप खास तौर पे निशाना बनाएगा। लश्कर तौबा का अगर नंबर वन टेररिस्ट आप नॉर्थ कश्मीर में कहें तो इसका वो दर्जा था। और पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप टेन अगर टेररिस्ट कहें तो टॉप टेन के अंदर सजाद हैदर का नाम आता है, उस दर्जे का ये था। और बहुत सारे घरों को बर्बाद करने में, सिविल लोगों की जाने लेने में, लोगों की जिंदगी में खलन डालने में, पुलिस और सीआरपी पे अटैक करने में, सिविलियन को मारने में, जैसा मैंने जिक्र किया, इस तरह की बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में इसका हाथ था। इसी का तैयार किया हुआ, ट्रेन किया हुआ दूसरा आतंकी जो आज इस ऑपरेशन में मारा गया, उसका नाम अनायतुल्ला मीर है, अंदरगाम पट्टन का रहने वाला है। इसी साल मार्च में उसको तैयार किया था और आज फोर्स के ऊपर अटैक करने के लिए उसी को साथ लिया था। और तीसरा साथी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसके चांसेस हैं कि वो फॉरेन टेररिस्ट हो, और सुनने में आ रहा है कि वो उस्मान हो सकता है, जो लश्कर का पाकिस्तानी तरफ से जो नॉर्थ जोन का कमांडर है जो इसके साथ चलता था, उसकी पहचान हो रही है कि वो तीसरा आतंकी है जो इस वक्त एनकाउंटर की जो मुठभेड़ जो अभी चल रही है, चेंज ऑफ फायर जो अभी चल रहा है, उसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि ये आज का जो ऑपरेशन है इसमें बेशक दिन की शुरुआत में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, मगर जिस तरीके से पुलिस, उसके साथ सीआरपी, उसके अलावा आर्मी ने टेररिस्ट को अंगेज किया पूरा दिन, और अभी जिस तरीके से अभी ये सारा दिन एनकाउंटर चला, ये वाकया में एक बहुत कामयाब ऑपरेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके चले जाने से बहुत घरों के चिराग जो बुझने वाले थे, या जिनको आतंकी ये बना चुका है और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ आगे पीछे पूरे नेटवर्क में चला रहा था, इस कार्रवाई के बाद उन घर वालों को भी चैन की सांस आएगी। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.